हर शहर को आप बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी को कि बाद नवाज शाह से अब तक की हर शायर को डट के सुन रहे हैं, और मुबारकबाद पेश करता हूँ और अकेली कमेटी को कि इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया गया। पिछले साल में ढेर सारी मुझे दुआएं मिली, मैं चाहता हूँ वही मोहब्बतें सदारत कर रहे हैं, और अकमल अदीब साहब इस मुशायरे की जबरदस्त निजामत आइए एक मतला एक शेर चार मिसरे ये नौजवान साथी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद के हवाले से चार मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद में जैसा हुक्म है वो पढ़ूंगा इंशाल्लाह। भाई एक आदमी का इस मुशायरे के अंदर पर्स गिर गया जिसमें एटीएम कार्ड भी है, बहुत सारे पैसे भी है, और जिन हजरात को मिले हों वो स्टेज तक यानी डॉक्टर इकबाल तक पहुंचा दे। जी अली साहब पढ़िए। एक मतलब पढ़ता हूँ समाज फरमाए इर्शा बहाना कोई हो लेकिन तुम्हारी दीद हो जाए। क्या बात है, बहाना कोई हो लेकिन तुम्हारी हो लेकिन तुम्हारी दीद हो जाए, अगर तुम छत पे आ जाओ हमारी ईद हो जाए। यानी इसका मतलब मैंने सही कहा था। क्या बात है अली भाई, वाह 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 वाह। बहाना कोई हो लेकिन तुम्हारी ईद हो जाए, अगर तुम छत पे आ जाओ हमारी ईद हो जाए। आइए चार पढ़ता हूँ, आवाज गिरफ्तार है। शाह खालिद भाई भी यही कह रहे थे कि आवाज साथ नहीं दे रही, अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ शेर पढ़ के जाऊंगा। समाज फरमाए नजर मिला के कभी मुझको देखता ही नहीं, कहती थी फेसबुक में मैं प्यार कर गई, एक रोज सामना हुआ इनकार कर गई, और करवा के नेट पैक जियो का 4 साल बर्बाद मेरा वो अली घर बार कर गई। वाह भाई वाह। हाजिर करता हूँ मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, मैं इनके लिए एक मतला पढ़ूंगा, उससे पहले चार मिसरे नौजवान साथी समाज पढ़ा, उसके बाद में एक मतला दो तीन शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। समाज फरमाएं नजर मिला के जुदाई ईद में उस तमाम।
शादाब मोहली साहब सब मेरे अपने हैं। आइए एक मतलब पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान ने उस मतलब को बड़ी मोहब्बत से सुना। यहाँ मेरे सब अपने हैं, चाहता हूँ समाज फरमाए। उम्मत भटक रही है मेरे नौजवान साथी समाज फरमाए। अगर मिसरे से मिसरा लग गया हो तो आप उम्मत भटक रही है, उम्मत भटक रही है, कोई रास्ता नहीं है, उम्मत भटक रही है, उम्मत भटक रही है, कोई रास्ता नहीं है, उम्मत भटक रही मौला। अधेरे में घिरे हैं हम उजाला फैज़े मौला। जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला फैज़े मौला। बहुत अच्छा शायरी हो रही है अली साहब, बहुत खूब जिंदाबाद। शुक्रिया, आप बेदार हुए, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपने मेरे मतलब की हिफाजत की। दिल भाई समाज समय पढ़ता हूँ, समाज उम्मत भटक रही है। श्री आदमी साहब अबू जैद आरजू कामरान भाई सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे अपने हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ, मतलब पेश करता हूँ समाज फरमाए। उम्मत भटक रही है, उम्मत भटक रही है, उम्मत भटक रही है, कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हजरत मलिक सामने
ये दुआ है मेरी माँ की, ये दुआ है मेरी माँ की। और आखिरी शेर मोहब्बत के साथ समाप्त करना है, ये दुआ है मेरी माँ की। मैं तुझी से मांगता हूँ, मैं तुझी को पूजता। क्या कहने हुआ, मैं तुझी से मांगता हूँ, मैं तुझी को पूजता हूँ, मैं तुझी को पूजता हूँ, मैं तुझी से मांगता। मैं तुझी से देखिए, जो महफिल सजाता और संवारता है उनकी ख्वाहिश होती है हर एक की ख्वाहिश पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर एक का ख्याल रख रहे हैं। जी शाह, गीत का हुक्म है, गीत पढ़ता हूँ। उससे पहले एक मतलब, दो तीन शेर भाई का हुक्म था, मैं चाहता हूँ वो शेर, एक मतलब दो शेर पढ़ के फिर मैं गीत पढ़ता हूँ। नदिया के उस पार चलो, काफी दिन पहले फरमाइश हुई है, मैं चाहता हूँ आपके दरमियान पहले एक मतला दो शेर मेरे नौजवान साथी समाप्त करना। कितना तो खुदा जाने, कितना तो खुदा जाने, कितना तो खुदा जाने ईमान फिसलता है, ईमान फिसलता है, कितना तो खुदा जाने। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बाबा करे बातें वो जाके रकीबों से, हंस हंस के करे बातें वो जाके रकीबों से, हंस हंस के करे बातें वो जाके रकीबों से। मासूम है क्या जाने, मासूम है क्या जाने, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला मैं पूरा गीत पढ़ के जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम